बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। हम आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर राजधानी पटना इस समय कोरोना मंडी बनती जा रही है। और कोरोना मंडी की वजह ये सब्जी मंडी है। हम आपको सब्जी मंडी नंबर एक दिखाते हैं, जो मीठापुर की सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस बनाया गया। उस गाइडलाइंस में कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग न जाएं। गर्दनी बाग में जो गर्दनी बाग स्टेडियम में जो सब्जी मंडी खुली है, उस सब्जी मंडी का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो दुकानदार हैं या आम पर भी खरीदार हैं, अधिकतर लोगों के मास्क मुंह पर मास्क नहीं है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और खचाखच भीड़ है। इस भीड़ को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया गया था, ताकि इस स्टेडियम में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करें, जो दुकानदार हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी मंडी लगाएं। लेकिन हालात जो है वो आपसे आप देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार राजधानी पटना में हर दिन 2000-3000 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, फिर भी पटनावासी समझने का नाम नहीं ले रहे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि चूँकि हम अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम आपको उनसे बात भी नहीं करवा सकते, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजधानी पटना में संक्रमित मरीजों की लगातार तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, उससे डर कर हम आपको सबसे ऊपरी तले से आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर खचाखच भीड़ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार भले ही कोरोना संक्रमण को चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा दिया हो, लेकिन लॉकडाउन का जो मतलब है उसमें कुछ छूट दी गई थी, जो छूट थी कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी मंडी खुली रहेंगी, और जो भी सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं वो ठेला के माध्यम से घर घर जाकर वह सब्जी बेच सकते हैं। लेकिन जो मंडी सजने का जो समय है 11 बजे तक है, लेकिन मंडी में जिस तरह से भीड़ हो रही है और लगातार पटना में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे हालात और बदतर हो सकते हैं। हम और जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे गर्दनी बाग स्टेडियम का है, जहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए आम लोग और दुकानदार दुकान अपनी सजाए हुए हैं और लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और हम आगे चलते हैं, वहां की आपको तस्वीर दिखाएंगे। कोरोना मंडी नंबर 2 चितकोहरा के पास हम आए हैं। यहां पर सब्जी के मंडी के साथ राशन की भी मंडी है, और इस मंडी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी पटना में जो संक्रमण विस्फोट हुआ है और लगातार राजधानी पटना में 2000-3000 मरीज मिल रहे हैं, और इस मरीज संक्रमित चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है, लॉकडाउन में कुछ पाबंदी के साथ कुछ शर्तें के साथ दुकान खोलने के लिए भी इजाज़त दी गई है, और इजाज़त के बावजूद भी किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही सब्जी मंडियों में या फिर राशन की मंडियों में, वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चितकोहरा के पास का, कि किस तरह से लोग खचाखच मंडियों में भीड़ है, लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, और कहें तो जिस तरह से लगातार बाज़ारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, उस भीड़ को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी इस मंडी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मंडी को खोलना है, फिर भी और उसके साथ ही जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कहें तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, लेकिन लोग पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी लोग हैं वो अपने मुँह चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं और ना ही कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो राजधानी में कोरोना विस्फोट होते जा रहा है, इस विस्फोट को रोकना नहीं रुक सकता, क्योंकि लगातार हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा ही हो रही है, कभी कमी भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन मंडियों में लगातार भीड़ हो रही है, इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद लिखे दुकानदार हैं इनके चेहरे पर मास्क नहीं है, और साथ ही
जो ग्राहक हैं, ग्राहक के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात कितना बद से बदतर होती जा रही है राजधानी पटना की। तो ऐसे में हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे चितकोहरा सब्जी मंडी का, जहाँ पर अभी भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार जिला अधिकारी के द्वारा जो सब्जी मंडी को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन शिफ्ट के बावजूद भी बाजारों मंडियों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और हम आपको जो कल तस्वीर दिखाएंगे वहाँ के हालात क्या हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलते हैं फिर आगे। हम इस समय आ पहुँचे हैं कंकड़बाग सब्जी मंडी में, जहाँ पर कोरोना का बाजार है। किस तरह से बाजार में भीड़ सजी है हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। कंकड़बाग का यह सब्जी मंडी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में खचाखच भीड़ है। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही कोई लोग कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिख रहे हैं। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया 10 दिनों के लिए। उसमें हालात में सरकार दिखना चाहती है कि लॉकडाउन से हमें कितना फ़ायदा होता है, क्या संक्रमण का चैन टूटता है या नहीं टूटता है, उसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी किए। लेकिन जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस सरकार के नियमों को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी मंडी के दुकानदार हों या फिर आम लोग। सबके चेहरे पर कोई मास्क लगाया है, कोई मास्क भी नहीं लगाया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नहीं दिख सकते। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिस तरह से संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लगातार हम, चाचा आपका मास्क क्यों नहीं लगाया? चाचा खा रहे थे, जब खा नहीं रहे थे, संक्रमण भी बढ़ रहा है ना, खा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि जो दुकानदार हैं चाहे जो लोग हैं, सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया है, लॉकडाउन में लोगों के कुछ छूट भी दी गई है ताकि लोग अपनी खरीदारी भी कर सकें। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग मंडी में जाकर सब्जी भी कर सकते हैं, राशन वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मंडी में लोग सरकार के गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए जो सरकार ने जो नियम लगाया वो नियम पर कहीं ना कहीं पटनावासी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। राजधानी पटना में लगातार संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। ईटीवी भारत लोगों से अपील कर रहा है, यदि संक्रमण के चैन को तोड़ना है तो लोगों के मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग कम ही जाएं तो बेहतर होगा, तभी हम कोरोना पर जंग जीत सकते हैं। अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।